प्रसाद छीन लिए इन्होंने। बंदर देखो, खूब सारे बंदर यार ये भैया। अब अभी सीढ़ियां हैं कम से कम 100, और ये देखो हिम्मत जवाब दे गई। 1.5 किलोमीटर अपने को ट्रेकिंग। तो ये जो पहाड़ है इसके सबसे ऊपर वाली चोटी, यहाँ तक पैदल जाना है भाई साहब। अब कितना किलोमीटर है वो तो अभी आगे चल के पता चल ही जाएगा आपको और मेरे को दोनों को। वेलकम बैक अगेन। अब हम लोग परशुराम महादेवरा में ट्रेकिंग स्टार्ट करने वाले हैं भाई साहब, पर भूखे प्यासे बैठे हैं अभी तक। पहले कुछ कोई होटल वोटल दिख जाए तो पहले नाश्ता वास्ता और चाय पानी का जुगाड़ कर लेते हैं, उसके बाद में भाई साहब ये आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा करके कितना। 500 मीटर आ गए और अभी भी 100 मीटर और मेन जो इनका गेट है परशुराम जी महादेव मंदिर की तरफ जाने वाला वो आने वाला है। पर एक बार आप यार खूबसूरती तो देखो रास्ते की, कितनी मस्त है। अगर कोई बता देना वीडियो खाली देख के कि राजस्थान है तो भाई साहब इनाम दे दूंगा मैं। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? बहुत ही शानदार मजा आ रहा है। और इस जगह के बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, जगह के बारे में हम लोगों के साथ हमारे राजस्थान की सबसे पवित्र धाम परशुराम महादेव में आए हैं। राजस्थान का अमरनाथ भी बोलते हैं भाई साहब, क्यों बोलते हैं? ये ऊपर चल के जो महादेव जी की गुफा है वो दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में अमरनाथ इनको क्यों बोला जाता है। एक तो ये खड़ी चढ़ाई, खूबसूरत रास्ता, और देखो ना बहुत ही मस्त है भाई साहब, बहुत ही मस्त। तो एंट्री यहीं से, भव्य गेट है ये एंट्री। हाँ एंट्री यही है, दुकानें वुकानें आगे सब मिल जाएगी। मेरा इस जगह पे 3री बार विजिट है आज। साइड में देखो सब दुकानें लगी हुई है यहाँ पे खाने पीने की, और ये देखो नोवल्टी की दुकान, इधर ये डोम आपके रेस्ट करने के लिए बनाए हुए। मैन आगे एक कुंड भी है भाई, उसमें तुम नहा सकते हो। पहले तो पेट पूजा का आप लोगों को मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड जगह है भाई साहब। अगर राजस्थान आ रहे हो ना तो इस जगह पे जरूर आना। भीड़ देखो ना, अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो खूब सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखो ऊपर देखो यार, साइड में देखो दाल बाटी चूरमा के स्टॉल्स, ये कुल्हड़ वाली चाय जो है ना, ये बाथरूम की व्यवस्था भी है। इधर बाथरूम की व्यवस्था किस जगह पे करी है मैं आपको दिखाता हूँ। अरे यार मस्त है। इधर देखो प्रकृति की गोद को कड़ा दे देना। हम यहाँ से खा रहे हैं भैया मिर्ची बड़ा, सबसे पहले मिर्ची बड़े का नाश्ता कर लेते हैं। ब्रेड पकौड़ा भी है, ब्रेड पकौड़ा भी खा लेंगे। सारी मंडली हमारी इधर बैठ चुकी है। देखो कैसा है भाई, भाई जो भी है ऑनेस्ट रिव्यू बताना भाई, कैसा है मिर्ची बड़े का टेस्ट? मिर्ची बड़ा खा रहे हैं भाई साहब, अच्छा है मिर्ची बड़ा। खराब अब देखो, लोगों ने यहाँ पे जूते उतारे ना तो वापस नहीं लेके जाएंगे, ये तो बात है। ये जो कुंड में आ रहे हैं ना यहाँ पे, वो जूते उतार रहे हैं वापस नहीं लेके जा रहे हैं। ये देखो ये थोड़ा गंदा पानी है भाई, नहाने लायक है नहीं मेरे हिसाब से। हाँ देखो परशुराम महादेव, ये भाई साहब कुंड है। कुछ देर तक तो सीढ़ियाँ हैं भाई, फिर उसके बाद में वो अपने जो नॉर्मल ग्रेवल रोड होती ना वो शुरू हो जाएगी। देखो नज़ारा देखो यार यहाँ पे, अभी क्या श्रावण चल रहा है ना, भादवा चल रहा है, तो जो भी बाबा रामदेव जी के जात रहे ना एक बार यहाँ पे जरूर धोख लगा के जाते हैं। उसी की भीड़ है ये इतनी, अभी जनरली इतनी भीड़ नहीं रहती है यहाँ पे। सांस फूल गए भाई हैं, भागो चलो 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 फटाफट। रोजाना चढ़ते नहीं है, रोजाना वॉकिंग जॉगिंग कुछ करते नहीं है ना, तो ये उसका नतीजा है दोस्तों। ऐसा ऊपर आए यार, और यहाँ पे मुख्य मंदिर की जो दूरी है वो लिखी हुई है कितनी, कम से कम 2.5 किलोमीटर। अभी किसी को पूछते हैं, भैया से पूछते हैं कितना किलोमीटर जाना अब यहाँ से। भैया कितना दूर है? मैं 1.5। तो भैया ऊपर 1.5 किलोमीटर अपने को ट्रैकिंग करनी है, ये पूरा ऐसा ही रास्ता। अब इधर देख लो, ये अगर कोई बता देना राजस्थान है भाई, देख लो बंदर देखो, खूब सारे बंदर यार ये भैया। अब तो डर नहीं रहे यार ये, बाकी पे अभी ये सब आराम आराम की मुद्रा में है भाई। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाँ हाँ इनको भी गर्मी लग रही है भाई।
मैं कह रहा हूँ ना, तुम गलत टाइम पे आए हो भाई। यहाँ पे आने का जो बेस्ट मौसम है ना, वो आप या तो सर्दियों में आओ या मानसून में आओ। अभी का टाइम तो भाई साहब देखो, सुबह के अभी 9 बजे हैं और धूप देखो कितनी भयंकर धूप है और हालत ख़राब हो गई पसीने से सही में। आप एक बार सब इधर देख लो। हाँ भाई, मेरे साथ वाले सब इधर देख लो भाई। मैं जो जो मेरे साथ है वो देखेगा खाली। प्रसाद छीन लिए इन्होंने। ये देखो, ये अब लड़ेंगे सारे हैं। किस्ता रखूं, किस्ता भरूं बड़ा हाल। नीचे खूबसूरत घाटी, पेड़ देखो इतने ऊपर ऊपर आए हुए। यहाँ पे पेड़ पे देखो भाई साहब, आप पेड़ पे देखो कितने सारे बंदर एक साथ में। क्या खूबसूरत दिख रहे हैं यार, कितनी शांति से बैठे हैं। पर ये शांत है नहीं, मोबाइल भी छीन सकते हैं ये। प्रसाद तो छीन छीन के खा रहे हैं सबसे। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय रामदेव जी महाराज की जय हो, जय बोलो भूमि जी महाराज की जय हो। किशोर देख रहे हो, आधा किलोमीटर आए हैं, पूरा गीला हो चुका है। अभी अभी खूब जाना है यार, खूब। भाई साहब अब हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी अब तो बहुत अच्छा बना दिया इसको भाई साहब, बहुत अच्छा बना दिया। अब थोड़ा सा बारिश में और या फिर सर्दियों के टाइम आओगे ना, इस जगह की खूबसूरती और या आने का आपका मन है ना 200 गुना हो जाएगा सच में। चलते चलते अगर आप लोग यहाँ पे डिहाइड्रेटेड जाओ ना, तो नींबू पानी वगैरह की खूब सारी स्टॉल्स यहाँ पे है, तो ये अच्छी बात है। क्या व्यू आ रहा है यार भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है यहाँ पे। उधर देखो दूर तक वो पहाड़ियाँ दिखेगी भाई साहब। ये देखो भीड़ देखो, कितनी भयंकर भीड़ है भाई साहब, लाइनें लगी हुई यहाँ पे। जय बाबारी, जय बाबारी। वो देखो वहाँ तक दिख रहा है ना आपको, वहाँ ऊपर मंदिर है यार। भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, जा नहीं पाएंगे उधर तक तो, पर यहाँ तक आ गए ये भी बड़ी बात है यार। पर फिर भी देखो कोशिश करते हैं जहाँ तक जा पाते हैं वहाँ तक भाई साहब। इसलिए मैंने पहले ही बोला था भाई, मैंने इनको सबको बोला था, मैंने कहा ये अभी टाइम सही नहीं है यहाँ जाने के लिए, आपको जगह एक्सप्लोर करवानी थी, उसके लिए बेस्ट टाइम है, उसके लिए कोई टाइम होता ही नहीं है पहली बात तो। ये आप देख सकते हो वहाँ तक भाई साहब, लंबी लाइन यार, कितने भयंकर। और उधर देखो पहाड़ कितने खूबसूरत दिख रहे हैं यार। देख रही है भाई, हिम्मत जवाब दे रही है, जनता जवाब दे रही है, जनता जवाब, इनमें जोश जोश बड़ा हाई है भाई। वो देखो ठेर ऊपर तक है, वहाँ तक नहीं जा पाएंगे तो मेरे को पक्का है, आपको यहाँ तक एक्सप्लोर करवा दिया दोस्तों। परशुराम महादेव ठेठ गुफा तक नहीं जा पाएंगे, पर यहाँ से आप नज़ारा एक बार देख लो यार, इस नज़ारे को देखने के लिए जरूर आना यहाँ पे। परशुराम महादेव में पहली बार देखी है भाइयों। वो देखो ठेठ ऊपर तक कितनी लंबी लाइन है यार, कम से कम ये लाइन 500 मीटर की लंबी लाइन है। इतना अंदाजा नहीं था भाई साहब कि इतनी भयंकर भीड़ होगी यहाँ पे। प्रसाद की खूब सारी यहाँ पे दुकान है, देखो ये है मैन। यहाँ से देखो भाई साहब ऊपर गुफा का रास्ता जाता है, पर मुश्किल नहीं नामुमकिन है भाई साहब। एक बार यहाँ से नज़ारा देख लो, दर्शन करना मुमकिन नहीं नामुमकिन है, तो हम लोग यहीं से हाथ जोड़ रहे हैं भाई साहब। हर हर गेट पे आके वापस जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी भीड़ के अंदर यहाँ दर्शन नहीं कर सकते। आए कोई कोई मत जान दो यार, देख लो ये नजारा है यहाँ पे तो भाई, भयंकर भीड़ है। अभी मत आना भाई, सावन बाद में मत आना इधर। सारे लोग निराश होकर बिना दर्शन करके नीचे तो आ गए, पर इन्होंने अच्छा काम कर दिया, सीताफल खरीद लिया है, सीताफल खा के खुश हो जाएंगे, ये भगवान का प्रसाद मान के खुश हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर घटना हुई है अभी, मनी के हाथ में क्या था, सीताफल था यार, वो आया देखो, साला छीना झपटी करके ले गया यार।
आओ ना, तो हाथ में जो भी रखो ना, खाने पीने की चीजें ध्यान से रखना, नहीं तो छीन के ले जाएंगे। भाई साहब जगह और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इतनी मेहनत आप लोग के लिए, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करी है, देखिए पसीना देखिए कितना आ चुका है। तो उसके लिए एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बनता है यार। या 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना और 1.5 किलोमीटर नीचे आ गए हैं, फाइनली देख लो एकदम नीचे आ गए हैं। और पूरा मैंने आपको बता दिया है दोस्तों इस जगह के बारे में और इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करवा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली लोकेशन पे बहुत जल्द, बने रहिए इस वीडियो के अंदर और इस चैनल के अंदर दोस्तों।